नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम अभी हैं सेक्टर 22 और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में ये देखें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है बुरी तरह। ये देख सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। ये देखें पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये गाड़ी है, इस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है। और ये ऑटो, ये कैसे हुआ जी? नहीं, ये कैसे हुआ? ये ऑटो कौन है और इसकी टक्कर हुई है, उसके बाद लेडीज पे भी हाथ छोड़ दिया। ये देखें गाड़ी, ये देखें सिर में चोट भी लगी है। ये गाड़ी आपकी थी भाई साहब? तो कैसे क्या हुआ? ये चोट सर रॉन्ग साइड में लाया है और हमने वहाँ तक ब्रेक मारी है इसमें, ठीक है सर। और पाना मारा हमें चांद में बहुत बुरी तरह से, चारों पांचों निपट गए इसमें। और गाड़ी पे बुलाया लड़के को यहाँ पे, ठीक है ना सर। और हम हैं तीन जने और हम शादी में जा रहे थे, मेरी बहन की शादी है खुद की, ठीक है ना सर। खुद वहाँ पे हम खड़े हैं और देखिए देखिए सर, आप खुद देखिए कहाँ से हम ब्रेक मारते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं कि गाड़ी देखिए सर और देखो उनका ऑटो का कुछ नहीं है, खाली टायर गया है और हमारे पूरी गाड़ी का नुकसान हो चुका है, खून निकल रहा है, अभी चोट भी लगी है। मैं इधर से सीधा आ रहा हूँ, टेम्पू वाले यहाँ चल रहा है तो मैं देखो सही सीधे हाथ में लगा, उसके उल्टे हाथ में लगा है टक्कर उल्टे हाथ पे है, कोई सिस्टम भी तो एक रहा है। गलती भी करते हैं पर मारते भी हमें, ठीक है ना सर। वहाँ से काट रहा है ऑटो को, हम गाड़ियों में ब्रेक मारते हुए ला रहे हैं और बहुत ज्यादा स्पीड में ऑटो था इसका। उसके बाद हाथापाई, हाथापाई करने का तो कोई मतलब नहीं करी है। ये देखिए इन लोगों ने करी है, क्या है हो गया सर? हम सर ऑटो में बैठे हुए थे, पेपर देने आए थे सर, हमारे इनमें पैरों में लगी हुई है सर, हमारे पेपर का क्या होगा सर? उसके बाद में इन्होंने हमसे बदतमीजी करने की कोशिश की, कर रहे सवारी के साथ सर, हमारे साथ क्यों मारपीट कर रहे हैं सर? ये देखते हैं और तुमने भैया मैं चांदनी बोल रही हूँ, इस लड़के ने आई लेकर इसने मेरी बदतमीजी करी और छेड़खानी करी मेरी, छेड़खानी करी इसने मेरी, ये दारू पी रखा सर। इस बंदे ने आज ना तो सिगरेट पी रहा था चलती हुई गाड़ी पे, मैं छेड़खानी करी कोई बात नहीं गाड़ी साइड में करो, क्या हुआ है सम्मेलन में शादी हो रही है, हमें जल्दी जा रहा है सम्मेलन में शादी हो रही है, तुम्हें जल्दी बता दे तुम्हें क्या क्या शादी हो रही है। कोई बात नहीं मैं बदतमीजी कर रहा हूँ उनसे, बोल रहा हूँ सर सुनिए, अगर अगर हम हाथापाई करते हम तीन जने हैं और ये कितने जने हैं आप देखो खुद ही चीज को देख रहा हूँ। देखो जो भी है वो तो गलती होगी तो पता छोड़ना कुछ के, हम तो जा रहे थे, हमने कहा लेडीज का मार पिटाई भी हुई है, हम तो तभी आ गए हैं, मार पिटाई चार के चार कर रहे हैं, एक लेडीज को मारने का क्या बदला बनता है? वही मैं भी कह रहा हूँ, छोड़ना करिए, मैं तो जा रहा था अपना यहाँ बाइक, मैं भी वही कह रहा हूँ भाई, लग गई वो तो कोई ये करे, हम लोग कह रहे थे लग गई लग जान दे, अब इनको भरपाई करनी है नहीं करनी है, रॉन्ग साइड चल रहे हैं ये बताओ तुम, आप पी के दारू चला रहे हो, पी के मेरा चेकअप करवा सकता तू है तेरी बात बिल्कुल रुक जा मैंने देख ली तेरी तमीज, मैंने देख ली तेरी तमीज, कितनी तुम तमीज है, कोई बात नहीं, वो तेरी सरकार यहाँ से सड़क से पहले हटवाए, सड़क आप ठीक है हटवाओ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप बीच सड़क पे देख रहे हैं ऑटो, ये ऑटो कौन चला रहा था वो बताओ, उनसे बात कराओ कि क्या हुआ था, कौन चला रहा था ऑटो, ऑटो कौन चला रहा था सर? वो चला रहे थे, मैं सवारी बैठा था, हम पेपर देने जा रहे हैं, क्या हुआ था ये बताओ सर? ये टेम्पू आ रहा था साइड से, ये लोग इतनी देर गाड़ी लेके, आप टायर के निशान देखिए कागज छपे हुए हैं, इन लोगों ने आके टक्कर मारी गाड़ी उस साइड थी, गाड़ी यहाँ की खड़ी हुई है रॉन्ग साइड पे, गाड़ी तब राइट साइड चल रही थी, अब ये बोला गाड़ी रॉन्ग साइड पे, ऊपर से बात करने को बुलाया था कोई लड़का, इन्होंने गुंडा बुलाया है, उन्होंने आके ऑटो वाले के थप्पड़ मारा है, ये मारपीट कर रहे हैं, वो बंदा बात कर रहा था आपसे, ये कोई बात सही है आपकी मारपीट?
ये देख सकते हैं बीच सड़क पर आरोप से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा आप पेपर देने जा रहे हैं? पेपर दे के आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि बीच सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी हाथापाई यहाँ हाथापाई हुई है। अब और तो हाथ उठा रहे हो लोकल के बंदे ऑटो पिन झुकी के जा रहे। अच्छा लोकल के सारे ऑटो पिन झुकी के पीपी के बाद ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई मतलब बनता है? खुद तो मरोगे मरोगे चार बंदों को लेके मरोगे बंदे का जिम्मेदार कौन होता है? अरे ऑटो पलटी आता तो क्या होगा? ये बच्चे कॉलेज से आ रहे और बदतमीजी कर रहे, लेट जो हाथ जोड़ रही, ये कोई मतलब बनता है? दोनों पक्ष यही हैं, दोनों पक्ष आपस में बात कर ले। एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट तो हो जाता है, सड़क पे चलते हैं तो एक्सीडेंट होता है, कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से हाथापाई हुई है वो आप देख सकते हैं। बात ये है ये रॉन्ग साइड से आ रहा था यहाँ से सीधा, मैंने ब्रेक भी बहुत मारी है लेकिन वो ब्रेक लगी चली गई। ये देख सकते हैं पहुंच चुके हैं पुलिस, यहाँ मौके पे पहुंच गई सेक्टर 22। गलती क्यों किया? टम्पू वालों भी गलत है और वो गाड़ी वालों भी दोनों। चलो सड़कों में चलते हैं तो हो जाते हैं। ऑटो वाले साइड थोड़ी उल्लंघी ऑटो वाले की और गाड़ी वाले की उधर साइड ही दोनों की, पर हाथापाई नहीं करी सामने। हाँ हाथापाई गलत करी इनने, है ना? उसके हेलमेट मार के सर फाड़ दिया। ये एक लेडीज भी इनमें बीच में लानी गलत है, लेडीज हाथापाई में लेडीज बीच में लानी गलत है। हाथापाई नहीं करनी चाहिए। आप यही थे? हाँ देखा था काफी देर तक। अच्छा देख सकते हैं फरीदाबाद, मौके पर पुलिस पहुंची और ऑटो के भी उस साइड लगी है, ऑटो इधर है जबकि लगता तो है कि गलती तो है थोड़ा, है ना, क्यों गलत जगह पे है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये रोड है और ये जाने का रास्ता है, ये आने वाला है लेकिन आप देखें ऑटो कहाँ पर है और गाड़ी कहाँ है, ये देखें दोनों दिखाएंगे आपको, इसका भी नंबर दिखाते हैं। ये देखें इसका पूरा टायर निकल गया, ये ऑटो का नंबर है HR38U3159। ये देख सकते हैं और ये गाड़ी है जिस गाड़ी के साथ ये एक्सीडेंट हुआ, ये HR73A8285। ये देखें पूरा और किस तरह से, और ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ हाथापाई भी हुई दोनों के बीच हाथापाई हुई। और ये देखें पूरा शीशा बिखरा हुआ, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों को ले जाया जा रहा है, चौकी ले जाया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं सिर में भी चोट लगी है, उसके सिर में चोट लगी हाथापाई की मार पिटाई की और गाड़ी इधर से आ रही थी। हाथापाई की है, हमने नहीं की है। मैं भी वही कह रहा हूँ भाई, की हाथापाई की चोट लग गई है सिर में। अरे हाथापाई हम तीन जने और बुला के लड़कों को और हमें हाथापाई और कर रहा है, हमारे साथ में हाथापाई और कर रहा है, लेडीज भी बुला के ला बता, हमारे साथ में कोई भी नहीं, हम तीन जने, हम अपनी बहन की शादी में जा रहे हैं, बच्चे के कपड़े भी ले रहे हैं, ब्याह शादी का टाइम है और शादी में जा रहे थे, लेकिन इस समय ये सड़क पर दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ। और ये देखें ऑटो का अगला जो पहिया है वो भी निकल गया था, ये देख सकते हैं पूरा, और गाड़ी जो आगे से, आप इतनी दूर ऑटो है उतनी दूर गाड़ी है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है ये कैसे क्या है, लेकिन आप गाड़ी भी देख सकते हैं कि आगे से डैमेज है और ऑटो का तो पहिया ही निकल गया। और जैसा कि कोई बता रहा था कि दोनों की गलती है, अब ये तो पुलिस देखेगी कि किसकी गलती है किसकी नहीं, क्या कार्रवाई होती है इस पर। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। काम मत लगाओ।